नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में चुनावी रैली, महबूबनगर में जनसभा में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने देश के वीर जवानों की शहादत पर उठाए सवाल। कोरापुट में नवीन पटनायक सरकार पर आयुष्मान भारत समेत केंद्रीय योजनाओं के लाभ से लोगों को दूर रखने का लगाया आरोप। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की पश्चिम बंगाल और बिहार में रैली, तृणमूल कांग्रेस पर राज्य में कानून व्यवस्था खत्म करने का लगाया आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यमुनानगर रैली में न्याय योजना का किया जिक्र। बिहार में विपक्षी गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा, सासाराम से मीरा कुमार और मधेपुरा से शरद यादव लड़ेंगे चुनाव। हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का आरोप, कहा समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट समेत कई मामलों में बिना ठोस सबूतों के हिंदू समाज को बदनाम करने की हुई कोशिश, जनता नहीं करेगी माफ। महागठबंधन के नेताओं पर भी साधा निशाना। भारत ने पाकिस्तान से करतारपुर साहिब गलियारे के बारे में कुछ प्रमुख प्रस्तावों पर मांगा स्पष्टीकरण। गलियारे से संबंधित पाकिस्तान में गठित समिति में कुछ विवादित तत्वों को शामिल करने पर भी मांगा जवाब। और अजलान शाह कप में भारत ने आखिरी लीग मैच में पोलैंड को 10 गोल से दी करारी शिकस्त। फाइनल में पहले ही बना चुका है जगह। कल खिताबी भिड़ंत से दक्षिण कोरिया से होगा मुकाबला। सबसे पहले देखते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें। पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में कांग्रेस पर निशाना साधा। महबूबनगर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज साफ नजर आ रहा है कि लोगों की सेवा करने वाले लोग कैसे कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं। घोटालों से घिरी कांग्रेस देश के वीर जवानों पर सवाल उठाती है, सपूत के बजाय सबूत मांगती है, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस स्थिति में पहुंच गई है। आपने कांग्रेस और दूसरों के अनेक वर्षों का शासन देखा है और इस चौकीदार के 60 महीने भी देखे हैं। विकास के ऐसे अनेक काम इन 60 महीनों में किए गए हैं जो दशकों से अटके और लटके पड़े थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में भी एक जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ओडिशा के कोरापुट से राज्य में चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2019 का चुनाव सिर्फ एक सांसद और विधायक का चुनाव नहीं है, ये चुनाव केंद्र और राज्य में विकास का डबल इंजन लगाने वाले बीजेपी के सरकारों के चुनाव का समय है। ओडिशा में पहले दौर में जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उनमें कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहांडी और बरहमपुर संसदीय क्षेत्र शामिल है। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में चुनावी रैली की। उन्होंने राज्य के तृणमूल कांग्रेस पर लोकतंत्र को खत्म करने और गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव विकास, सुरक्षा और पश्चिम बंगाल के अस्तित्व का है। उन्होंने कहा कि पार्टी पश्चिम बंगाल में 23 सीटें जीतेंगी। बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लिए जो फंड बंगाल भेजती है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। अमित शाह ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने को लेकर भी टीएमसी समेत विपक्षी दलों की आलोचना की। 40 जवानों पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकवादियों को।
उनको दंड देना चाहिए या नहीं देना, उन पर बॉम्ब बरसाने चाहिए नहीं बरसाने चाहिए, एयरस्ट्राइक करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अभी ममता दीदी ना बोल रही है, हम क्या करें? चिंता मत करिए, चाहे ममता हो, अखिलेश हो, राहुल बाबा हो, वो बातचीत करने की सलाह कर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा सरकार आतंकवादियों को छोड़ेगी नहीं। पाकिस्तान की ओर से गोली आएगी, यहां गोले से जवाब दिया जाएगा। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं कोलकाता का। अखिलेश सुमन मेरे सहयोगी वहां मौजूद हैं। अखिलेश, आप वहां पर नब्ज टटोल रहे होंगे, बंगाल का मिजाज क्या कहता है? खासतौर पर इस बार लड़ाई बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच घनघोर दिख रही है। निश्चित तौर पे अभिलाषा, जिस तरीके से बीजेपी ने अपने आप को वहां स्थापित किया है, यह काफी चुनौतीपूर्ण काम था बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी का बहुत प्रेजेंस नहीं रहा है वेस्ट बंगाल में। लेकिन बीजेपी ने धीरे धीरे करके जो पिछले म्युनिसिपल चुनाव है, म्युनिसिपल चुनाव में, स्थानीय निकायों के चुनाव में देखा गया कि बीजेपी का वोट प्रतिशत काफ़ी बढ़ा। और बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ने के दो कारण हैं। एक, जो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जो लोगों का रोष है, उस रोष का मुकाबला करने में बीजेपी ने काफ़ी तत्परता दिखाई और उन सारे सवालों को एड्रेस करने का, उसके खिलाफ जहां तक हो सके, संभव हो सके, आंदोलन करने का भी काम किया बीजेपी ने। इसके चलते बीजेपी का प्रेजेंस यहां निश्चित तौर पे दिख रहा है। इस मामले में कहें कि लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस थोड़ा पीछे है, क्योंकि उन लोगों ने उन सवालों को नहीं एड्रेस किया जिन सवालों को तत्कालिक जरूरत थी। उसके अलावा बीजेपी ने हर जगह अपने संगठन को मजबूत बनाया है और केंद्र में सरकार होने का भी फायदा बीजेपी को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कई योजनाओं की घोषणा की और जिन योजनाओं का कार्यान्वयन हुआ है पश्चिम बंगाल में, लोग निश्चित तौर पर लग रहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में एक तृणमूल कांग्रेस का विकल्प के रूप में खड़ी हो सकती है। और देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का पूरा इतिहास रहा है अभिलाषा की, पश्चिम बंगाल चुनने में वक्त लेता है और काफी लंबे समय तक देखता है कि क्या स्थितियां हो रही हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया पश्चिम बंगाल में, उसके बाद लेफ्ट फ्रंट ने 34 साल तक राज किया और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस अपना दोनों टर्म पूरा कर रही, दो टर्म से राज कर रही है। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के अंदर भी थोड़ी सुगबुगाहट है और उसके अलावा जनता को भी लग रहा है कि लोकतंत्र का जिस तरीके से क्षरण हो रहा है, उस लोकतंत्र के क्षरण से रोकने के लिए संभव है कि केंद्र सरकार मदद करे। और केंद्र सरकार में चूंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का बड़ा संगठन है, हर जगह पे संगठन है, इसके चलते बीजेपी एक विकल्प के रूप में निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल में उभर रही है। और तकरीबन सभी सीटों पे, मैं बताऊं आपको कि अगर 3-4 सीटें छोड़ दे पश्चिम बंगाल में 42 में से, तो तकरीबन सभी सीटों पे तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला होने की संभावनाएं हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। पश्चिम बंगाल के इस बार लोकसभा चुनाव में जो चुनावी समीकरण है वो किस तरह से बैठते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर जानकारी देने के लिए। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार के औरंगाबाद में चुनावी रैली की और उन्होंने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में कठोर फैसले लेने वाला नेतृत्व है जिसने दुनिया में देश का मान बढ़ाया है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार का गठबंधन है जिसका कोई नेता नहीं है, ऐसे लोग बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं। एक पारदर्शी नेतृत्व है, एक कठोर फैसला लेने वाला नेतृत्व है, एक संवेदनशील नेतृत्व है, भारत को दुनिया में गौरव दिलाने वाला नेतृत्व है। एक और मोदी जी है और एक बार एक और एक गठबंधन का संभू मेला है जिनका कोई नेता नहीं है। मित्रों, ये लोग देश का विकास नहीं कर सकते, ये लोग बिहार का विकास नहीं कर सकते। और इन सब के बीच बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद सुलझ गया है। पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीट बंटवारे का ऐलान किया। सुपौल और पटना साहिब सीट कांग्रेस के खाते में आई है। इसके अलावा किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, समस्तीपुर, मुंगेर, सासाराम और वाल्मीकि नगर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि पाटलिपुत्र, दरभंगा, सारण,
बेगूसराय सीट आरजेडी के हिस्से गई है। साथ ही भागलपुर, बांका, मधेपुरा, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज, हाजीपुर, बक्सर, जहानाबाद, नवादा, झंझारपुर, अररिया, सीतामढ़ी और शिवहर से भी आरजेडी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। ज़्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। मधेपुरा से शरद यादव होंगे, दरभंगा से अब्दुल बारी सिद्दीकी, वैशाली से पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, पाटलिपुत्र से मीसा भारती चुनाव लड़ेंगी, जबकि शिवहर सीट के लिए अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे में देरी के लिए आपसी मतभेद की बात से इनकार किया। बताया जा रहा है कि उनके भाई तेज प्रताप यादव टिकट बंटवारे को लेकर खुश नहीं हैं। इस बीच एक बार फिर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। अरुण जेटली ने कहा है कि गठबंधन के नेता आपस में ही लड़ते रहते हैं और इनकी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। 10 प्रांत ऐसे हैं जिसमें वायदा किया था जिन्होंने महागठबंधन का, जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लगभग आधी संसदीय सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक दूसरे की सीटें कम करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई उनका स्पष्ट नेता नहीं है। 4 नाम ऐसे हैं, राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, शरद पवार, जो कोशिश कर रहे हैं कि मेरी सीट बढ़ जाए, दूसरे की कम हो जाए और मेरा नेतृत्व बन जाए, कल को झगड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की ओर से उम्मीदवारों की 12वीं सूची जारी कर दी गई है। इसमें 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश से 3-3, जबकि जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र से 1-1 उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ है। और इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर रोड शो कर रही हैं। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी अयोध्या पहुंची। यहां प्रियंका गांधी ने केंद्र की सरकार पर निशाना साधा। अयोध्या में प्रियंका गांधी ने कहा कि नेता चुनाव के समय जब आपके पास आए तो उन्हें घबराहट होनी चाहिए, न कि आपको। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा कुमारगंज से रोड शो शुरू करेंगी और अयोध्या के हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद रोड शो का समापन करेंगी। हरियाणा के यमुनानगर में आयोजित चुनावी रैली में राहुल गांधी ने मिनिमम आय गारंटी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो देश के गरीब को, जिनकी आय प्रति माह 12,000 रुपए से कम है, ऐसे सभी परिवारों के खाते में 72,000 रुपए सालाना देने का इंतजाम कांग्रेस सरकार करेगी। न्याय योजना का मतलब हिंदुस्तान में जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए से कम, महीने से कम की है, 20% हिंदुस्तान में लोग हैं, परिवार हैं, जिनकी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है। हम उनको ढूंढेंगे, उनके नाम निकालेंगे और उन सबको, सब परिवारों को साल के 72,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने कुरुक्षेत्र और करनाल में भी चुनाव प्रचार कर कार्यकर्ताओं में जोश फूंका। बात हरियाणा की ही करेंगे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद अहम है। इसके अलावा चुनावी नतीजे राज्य की राजनीति के भविष्य की दशा और दिशा भी तय करेंगे। ये चुनावी रण चाचा अभय सिंह चौटाला और भतीजे दुष्यंत चौटाला के राजनीतिक भविष्य का फैसला भी करेगा। हरियाणा से लोकसभा के लिए 10 सांसद चुनकर आते हैं, लेकिन बीते चुनावी नतीजों पर गौर करें तो अक्सर हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दल ने ही केंद्र में सरकार का गठन किया है। यही वजह है कि राष्ट्रीय दल यहां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इस बार हम अकेले अपने दम पर 10 की 10 सीट लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से जो 3 सीट इस बार जो हमारे पक्ष में नहीं है,
सिरसा, हिसार और रोहतक। अभी 25 फरवरी को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया, जीत का मंत्र दिया और अब हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि 7 के 7 7 ये 3 सीट भी अर्थात 10 की 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी। हरियाणा जो है वो खेती बाहुल्य एरिया है, राज्य है और किसानों को बहुत बुरे दिन देखने पड़े हैं। उनकी जिंसों के जो भाव हैं उनको नहीं मिल पाए। भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने का वायदा किया था और सरकार उससे पीछे हट गई, नहीं कर पाई। हरियाणा में सत्ता में रही इंडियन नेशनल लोकदल राज्य में मजबूत राजनीतिक पार्टी मानी जाती है, लेकिन बीते दिनों राजनीतिक विरासत के विवाद के बाद चौटाला परिवार में सुलह की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। अब अभय चौटाला और 2014 में इनेलो से सांसद बने दुष्यंत चौटाला की राजनीतिक राहें जुदा हो चुकी हैं। सांसद दुष्यंत चौटाला अब जननायक जनता पार्टी के बैनर तले चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। हम लोगों के बीच में इसी बात के साथ जा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने देश के सबसे युवा सांसद होते हुए, 26 साल की उम्र में वो लोकसभा पहुंच गए थे, सबसे युवा सांसद होते हुए जो काम करवाए हैं पिछले 5 साल में, उनकी तुलना आप बाकी के 9 सांसदों से करके देख लीजिए। बीजेपी ने 2014 में राज्य में सबसे ज्यादा 7 लोकसभा सीटें जीती थीं। जाहिर है वो इस बार अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत पूरी कांग्रेस के सामने अपनी खोई जमीन को वापस पाने की चुनौती है। इसके अलावा चौटाला परिवार के दोनों धड़ों के लिए ये चुनाव वर्चस्व की जंग भी बन गया है। हरियाणा के लिए ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में बेहद खास होंगे। जहां एक ओर केंद्र सरकार के गठन में ये अहम भूमिका निभाएंगे, साथ ही राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इस चुनाव की छाप देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन संतोष यादव के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, चंडीगढ़। दक्षिण की बात करें तो कर्नाटक के मांड्या सीट पर इस बार काफी रोचक मुकाबला होने की उम्मीद है। जेडीएस का गढ़ माने जाने वाले मांड्या में गौड़ा परिवार की तीसरी पीढ़ी मैदान में है और निखिल गौड़ा जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार हैं। वहीं बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार और दिवंगत अभिनेता अम्बरीश की पत्नी सुमनलता को समर्थन देकर विपक्षी गठबंधन को टक्कर देने का मन बनाया है। दक्षिण कर्नाटक में कावेरी समेत कई नदियों के बेसिन में बसा है मांड्या। यहाँ की ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन इस समय यहाँ सियासी हलचल तेज हो गई है। मांड्या लोकसभा सीट पर जनता दल सेक्युलर की पकड़ रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की सभी सीटों पर जेडीएस को जीत मिली थी। जनाधार को देखते हुए इस बार जेडीएस ने यहाँ से एशी देव गौड़ा के पोते निखिल गौड़ा को मैदान में उतारा है। द पार्टी वाइज ब्रेकअप एंड द कास्ट सपोर्ट विल सर्टेनली हैव अ रोल besides the issues which will have an impact. Coalition premise that we are coming together, our vote share is whatever X and Y, and we can easily beat BJP, is not a convincing argument. निखिल गौड़ा को इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार सुमनलता अम्बरीश से कड़ी चुनौती मिल रही है। सुमनलता दिवंगत पूर्व कांग्रेस सांसद और अभिनेता अम्बरीश की पत्नी हैं। बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सुमनलता को समर्थन दिया है। लोकल इश्यू इज देयर, वन द सेंट्रल कमेटी इज द डिसीजन टेकन बाय द सेंट्रल कमेटी ऑफ बीजेपी एंड आल्सो स्टेट आल्सो एडवाइज टू हस टू सपोर्ट अम्बरीश, सुमनलता अम्बरीश, बिकॉज लास्ट 2-3-4 months द पीपल्स आर द होल दैट वेव्स आर सपोर्टिंग टू हर, द ऑल पीपल्स आर लुकिंग हर, सो दिस इज द बीजेपी की यहाँ जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन के अंतर विरोधों पर नजर है। मांड्या ऐसी लोकसभा सीट है जहाँ लंबे समय से कांग्रेस और जेडीएस के बीच राजनीतिक पकड़ की लड़ाई चलती रही है। कभी ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। पार्टी ने यहाँ से 12 बार जीत दर्ज की थी, लेकिन 2009 के बाद ये सीट जेडीएस के पास चली गई। हालांकि 2013 के उपचुनाव में कांग्रेस ने जेडीएस से ये सीट छीन ली थी। 1600 विलेजर्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी, इन आवर 1-2 or 3 विलेजर्स सम लाइक ग्राम पंचायत मेंबर्स नो जेडीएस एंड कांग्रेस लाइक दैट एंड हियर दे आर ऑल इन कोएलिशन, देयर इज नो डिफरेंस।
मांड्या सीट पर वोकालिग्गा और कुर्बा समुदायों के साथ दलित मतदाताओं की भी बड़ी संख्या है। कांग्रेस और जेडीएस ने पूरे कर्नाटक की तरह मांड्या में भी जातीय और राजनीतिक समीकरण को साधने की कोशिश की है, लेकिन गौड़ा परिवार और दिवंगत लोकप्रिय अभिनेता अम्बरीश की लोकप्रियता को देखते हुए यहाँ रोचक मुकाबले की उम्मीद है। रजत केन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने दंगा भड़काने के मामले में हार्दिक की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हार्दिक को मेहसाणा में दंगा भड़काने के एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है और कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। हार्दिक पटेल ने गुजरात हाईकोर्ट में अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी, जिसकी कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट में याचिका इसलिए दायर की गई थी ताकि हार्दिक आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकें, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सजायाफ्ता होने पर अब हार्दिक के चुनाव लड़ने पर रोक लग गई है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने वाले पाटीदार नेता गुजरात के जामनगर से चुनाव लड़ने वाले थे। वक्त एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। समझौता ब्लास्ट केस पर विशेष अदालत का फैसला, सबूतों के अभाव में आरोपियों को नहीं मिलेगी सजा। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन में 2007 को हुआ था धमाका, क्या होगा आगे देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शारदा चिटफंड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज वोडाफोन और एयरटेल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर किया था कि टेलीकॉम कंपनियों के घोटाले से जुड़े लोगों का कॉल डेटा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा रही है और जांच में सहयोग नहीं कर रही है। सीबीआई का कहना है कि इससे जांच आगे बढ़ाने में दिक्कत आ रही है। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। भारत ने पाकिस्तान से करतारपुर साहिब गलियारे के बारे में कुछ प्रमुख प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण मांगा है। ये प्रस्ताव अटारी सीमा पर हुई पिछली बैठक के दौरान पाकिस्तान को दिए गए थे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसने इन खबरों पर भी पाकिस्तान से स्पष्टीकरण मांगा है कि गलियारे से संबंधित पाकिस्तान में गठित समिति में कुछ विवादित तत्वों को शामिल किया गया है। सरकार करतारपुर गलियारे के बारे में चर्चा को सकारात्मक ढंग से बढ़ाना चाहती है। भारत स्पष्ट कर चुका है कि इसका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों या प्रोपेगेंडे के लिए नहीं होना चाहिए। भारत चाहता है कि तीर्थयात्री सुरक्षित ढंग से आ जा सकें। उम्मीद है कि पाकिस्तान भी इस पर ध्यान देगा। दोनों देशों के बीच अगले चरण की बातचीत वाघा बॉर्डर पर 2 अप्रैल को होनी थी। इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए हिंदू आतंकवाद की फर्जी थ्योरी गढ़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस के कार्यकाल में जहां कोई एविडेंस नहीं है वहां पूरे हिंदू समाज को कलंकित कर देना हिंदू टेरर की एक थ्योरी पैदा करके, यह इतिहास में पहली बार हुआ है। और इस प्रकार से 3-4 मुकदमे इस तरह के बनाए, उनमें से एक भी टिक नहीं पाया। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी स्पष्ट रूप से यूपीए और कांग्रेस के नेतृत्व से है। और मैं मानता हूं कि समाज, और केवल एक समाज नहीं सभी समाज, उनको माफ नहीं करेंगे। मरने वाले तो आम लोग थे, इनोसेंट लोग थे, अब उनकी जान चली गई। जो सही मायने में कल्प्रेट्स थे उनकी तरफ आप गए नहीं, मासूमों की जान चली गई। और हिंदू टेरर की एक राजनीतिक थ्योरी बनाने के लिए आपने गलत लोगों को पकड़ लिया।
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में नीरव मोदी की जमानत पर सुनवाई चल रही है। टोबी कैडमैन ने अदालत में कहा कि नीरव मोदी भारतीय एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है और उसके भाग जाने का डर है। टोबी ने कहा कि इस बात का डर भी है कि वो गवाहों को बरगला सकता है और सबूत नष्ट कर सकता है। नीरव मोदी को पिछले हफ्ते बुधवार को लंदन पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नीरव मोदी गिरफ्तारी के बाद 10 दिन जेल में बिता चुके हैं। भागने की आशंका होने से कोर्ट ने उन्हें जेल में भेजा था। इस बीच जमानत रोकने के लिए लंदन में CBI और ED की टीम मौजूद है। संसद की स्थायी समिति पर आयोजित कार्यशाला के दूसरे दिन संसदीय रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग पर चर्चा की गई। कार्यशाला में समिति की रिपोर्ट तैयार करते हुए किन बारीकियों का ध्यान रखा जाता है, ये चर्चा का अहम हिस्सा रही। संसदीय समितियों की कार्यप्रणाली पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने किया था। राजधानी दिल्ली में आज PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से महिला कार रैली को रवाना किया गया। इस रैली में आर्मी क्षेत्र, उद्योग जगत और अन्य क्षेत्रों में काम कर रही महिलाएं शामिल हुईं। ये महिलाएं दिल्ली से देहरादून से चंडीगढ़ का 700 किलोमीटर का सफ़र अगले 2 दिनों में पूरा करेंगी, जहाँ इनका मकसद लोगों को महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इस कार रैली को हरी झंडी दिखाने पहुंचे केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से सरकार के कामकाज के प्रसार को बल मिलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश का विकास शिक्षा और महिला स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए जरूरी है कि हर कोई इन दोनों कार्यों को सफल बनाने में सहभागी बने। जो बदलता हुआ जो देश है हमारा, उसमें हम 2 चीज़ों में अब पीछे रहेंगे तो देश को बड़ा भारी नुकसान होगा। एक तो शिक्षा का जो स्तर है, क्वालिटी एजुकेशन, और दूसरा हाइजेनिक। वो सिर्फ यही नहीं है, हमारे हॉस्पिटल्स का, सुपर स्पेशलिटीज़ का, और बहुत बड़ा एक जो आदमी वंचित समाज है, जिसको गरीबी की वजह से अपना इलाज भी ठीक नहीं करा सकते, उनको प्रिवेंटिव जो ये चीज़ें हैं, इनका जब ज्ञान होएगा तो बहुत उसका लाभ होगा। और अब बात खेल की करते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अजलान शाह कप में पोलैंड को 10-0 से करारी मात दी है। अब भारत का शनिवार को फाइनल में कोरिया से मुकाबला होगा। भारत की तरफ से मनदीप सिंह और वरुण कुमार ने सबसे ज़्यादा 2-2 गोल दागे। इसके अलावा अमित रोहिदास, नीलकंठ शर्मा, सिमरनजीत सिंह, सुरेंद्र कुमार, सुमित और विवेक प्रसाद ने भी 1-1 गोल दागा। बुलेटिन में इतना ही, जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।